कहानी उन आम घरों की है जहाँ खाने वाले तो कई लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती देखिए जी सामने वाले वर्मा जी कैसे अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की और एक आप है अरे यार उनके पास कार है ऑफिस पास में है और हफ्ते में दो दिन की छुट्टी होती है तो फर्क तो पड़ता है ना मेरी तो शादी ही गलत हो गई अरे कोई मस्त लड़का मिलता कमाता भी घुमाता भी घर के कामों में भी मदद करता लेकिन नहीं जी हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है देखने में सुंदर है घर का सारा काम कर लेती है उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था क्या सोच रहे हैं भागने का इरादा तो नहीं है अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी मैं तो नहीं पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है <laughs> भी ना सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है सुनिए जी वो मेरी सहेली आई थी सारा दिन वो लोग यहीं थे अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें तो रोक लिया मैंने सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है फिर कहता है ठीक uh, है मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ अरे तेरे पति को तो लग रहा है की अच्छा नहीं लगा अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ शीना अंदर जाती है जहाँ सुनील पलंग पर लेटा होता है अरे क्या मजाक है वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया सही तो कह रही है सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ। एक कप चाय का तो पूछा नहीं 20 किलोमीटर जाओ और आओ और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस अरे यार मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको और कौन सा रिक्शा खींच के जाना है आपको सुनील अब क्या बोलता रात देर से आता है और सो जाता है अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है

अरे मैं किससे मांगू मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो तभी वहां शीना का भाई शीनू आ जाता है <laughs> जीजा जी कैसे हैं आप अब मैं ठीक हूँ शीनू अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई अरे जीजा जी वो बिजनेस शुरू किया ना तो उसके लिए पैसे की जरूरत है काफी हो चुका है थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लू देखो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है शीना वो पैसा भाई को दे देती है दो महीने बाद अरे यार शीना वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है कैसे दू? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे अरे हाँ हाँ दे देगा कहाँ भागा जा रहा है आप उनको बोल दो कि दे देंगे थोड़े दिन बाद शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार मैं तंग आ गया हूँ ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है क्या बोलू बार बार पैसे मांगता है अच्छा मैं शीनू को फोन लगाती हूँ बात करके देखती हूँ शीना भाई को फोन करती है लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है वो रोने लगता है <laughs> अरे क्या हुआ जी आ, आप इतना परेशान क्यों है सब ठीक तो है ना अरे नहीं शीना कुछ ठीक नहीं है मैं ठीक नहीं हूँ तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए कर सकता था लेकिन अब नहीं होगा <laughs> वो फिर रोने लगता है अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं मर दे आप क्यों आदमी सीने में दिल नहीं होता या फिर वो इंसान नहीं बशीर होता है अरे मैं थक चुका हूँ शीना तुम समझती क्यों नहीं मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ सुकून चाहता हूँ <laughs> दो लाख रुपए उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज की बात किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है अरे शीना तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ लेकिन ये पैसे आए कहाँ से ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रखकर लिया है तुम चीक रहो निश्चिंत रहो मैं बस यही चाहती हूं मुझे माफ करना पर अब मैं समझ चुकी हूं कि मर्द को भी दर्द होता